होली का त्योहार जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है वैसे ही अधिकारी अलर्ट होते दिखाई दे रहे हैं, जिसको लेकर आज जनपद बुलंदशहर के कस्बा सियाना में पीस कमेटी की मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें एसडीएम सियाना, सीओ सियाना कोतवाली प्रभारी ने सियाना तहसील में लगने वाले ग्राम प्रधानों व सियाना नगरपालिका चेयरमैन तथा सभी सभासदों सहित शहर के मौजूदा लोगों के साथ शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए अपील की। अधिकारियों ने बताया कि होली के इस पर्व को बहुत ही शांतिपूर्वक मनाएं, शांति बनाए रखें तथा डीजे पर हंगामा बिल्कुल ना किया जाए। अगर कोई व्यक्ति डीजे पर हंगामा करता हुआ या नशे में धुत पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। इस दौरान शहर से लेकर गांव तक पुलिस की नजर रहेगी। बुलंदशहर से जिला संवाददाता मुकेश कुमार की रिपोर्ट। शहर सियाना में पीस कमेटी की मीटिंग रखी हुई है और होली पर्व को लेकर सभी लोगों को निर्देश दिए, किस प्रकार के निर्देश? आज थाना परिसर में सियाना में आगामी होली त्यौहार को शांतिपूर्वक और सौहार्दपूर्वक बनाने के लिए पीस कमेटी की बैठक की गई थी, जिसमें सभी विभागों के यथा स्वास्थ्य सेवा और नगर पालिका को और सफाई के लिए भी निर्देश कर दिया गया है, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कर दिया गया है कि अपने ड्यूटी रिटर्न में दे दें, कौन उस समय मौजूद रहेगा अगर कोई भी घटना घटती है, और सफाई के लिए भी बता दिया गया। अच्छा सर, जिला प्रशासन की तरफ से मैसेज छोड़ा गया है होली देहांत को लेकर, उसका थोड़ा सा विस्तार बताइए। आपके तो होली देहांत को लेकर आपका होली देहांत नहीं कराया जाएगा? अभी अभी तो पता नहीं है, सभी दोनों समुदाय सभी भाई लोगों से हम उम्मीद रखेंगे कि ये त्यौहार भाईचारे से मनाया जाए। कोई भी अगर कहीं भी कोई भी अफवाह दिखाई देती है या रंग लगाने पे विवाद आता है या कोई मामला होता है, उपरांत रंग लगाया जाता है तो उससे जो भिड़ा हो जाती है आपस में, उसने रंग लगा अगर वो आदमी बिना किसी मत पान के अगर कोई रंग लगाता है तो वो उसका रंग लगाने का उद्देश्य केवल यह है माथे पर थोड़ा टीका लगा दिया, और जब वो नशे में होता है तो उसका पूरा मुंह फाड़ने की कोशिश करता है, कपड़े फाड़ने की कोशिश करता है, तो जिससे विवाद ज़्यादा हो जाते हैं। दूसरा कीचड़ का भी विरोध किया जाता है, जब कीचड़ लगाते हैं तो उसमें भी विवाद हो जाता है। अधिकतर जो भी झगड़े होते हैं तो वो मदरा पान या नशे के जो त्यौहार हैं, ईद है, होली है, दिवाली है, दशहरा है, तो हम सब लोग रोजे रमजान जब होते हैं हम सब लोग सहयोग करते हैं उनका, तो सब हम मिलजुल कर यहाँ मनाते हैं। हमारे डॉक्टर साहब भी हैं, मुस्लिम समाज के बहुत सारे लोग हैं जो हमारे साथ होली खेलते हैं। होली का मतलब एक भाईचारा है आपस में, मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी जो भी लोग हैं वो त्यौहार खुशी के साथ मनाते हैं और बहुत अच्छा लगता है। हमारे यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। अभी एसडीएम साहब बता रहे थे, इंस्पेक्टर साहब बता रहे हैं, मुस्लिम का मकान है, दीवार पर होली मनाई जाती है। होली बहुत मतलब अपनी तादाद में जब ईंधन आता है तो बहुत तकड़ी आग होती है, लेकिन जो भावनाएँ हैं। आज मीटिंग रखी है, किस तरीके के निर्देश दिए गए आपको? आज शाना कोतवाली में एसडीएम साहब, इंस्पेक्टर साहब, सीओ साहब सब लोग हैं, सभी ग्राम प्रधानों की और सम्मानित मेंबरों की, जो गणमान्य व्यक्तियों के बीच में इंस्पेक्टर साहब ने, सीओ साहब ने, एसडीएम साहब ने बताया है कि जो आपके गांव में, क्षेत्र में, गली मोहल्लों में जो लोग शराब पी के उत्पात मचाते हैं उनको चिन्हित किया जाएगा, और जो हम सब लोग आपस में भाईचारा बनाकर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी सब लोगों के साथ मिलकर हमको होली का त्यौहार अच्छे से मनाना है और भाईचारा पैदा करना है। बहुत इंस्पेक्टर साहब ने बार बार ये कहा है कि जो लोग होली के उपलक्ष्य में दोपहर तक खेल लेते हैं, उसके बाद ड्रिंक करते हैं या कहीं शराब पी के उत्पात मचाते हैं, तो तुरंत हमको कॉल करें, पुलिस को कॉल करें, पुलिस वहाँ पहुँचेगी और शांति व्यवस्था बनाए रखेगी। क्या नाम है आपका? रईस मलिक। अच्छा, आज मीटिंग रखी है होली पर्व को लेकर, किस तरीके के निर्देश दिए गए? आज शाने कोतवाली में मीटिंग रखी गई है शांति समिति की, जिसमें एसडीएम साहब, सीओ साहब और इंस्पेक्टर साहब ने सब कस्बे के सभी जिम्मेदार साथियों की और क्षेत्र के ग्राम प्रधान और सभी जिम्मेदार साथी आए, सबको दिशा निर्देश दिए होली के संबंध में कि कहीं भी कोई ऐसी घटना प्रिय घटना होती है तो उन्होंने अपना नंबर दिया है, वो हमें तुरंत सूचना दें। यदि कहीं शराब वगैरह बिक रही है या कहीं कोई ऐसे कुछ सट्टा ये सब चल रहा था उसकी हमें जानकारी दें, और सियाने में नगर पालिका द्वारा को उन्होंने निर्देशित किया है कि होली पर के दिन पानी की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। और अच्छा ये बताइए रही जी, आप मौन समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, होली पर्व तो हिंदू का है, आप किस तरीके का संदेश देना चाहते हैं इस होली के लिए? देखिए, हमारा जो शहर है, कस्बा है, ये हिंदू मुस्लिम एकता की एक मिसाल है और यहाँ पर
हमारे पड़ोस में होली दहन होता है जो जस्ट बिल्कुल मुस्लिम परिवार के से सटी हुई होली रखी जाती है और वहाँ मुस्लिम परिवार और पूरा शहर के लोग होली दहन पर सब लोग एक साथ रहते हैं। हम सब लोग ईद दिवाली होली सब लोग मिलजुल के साथ मनाते हैं। यहाँ बहुत अच्छे से लोगों में सौहार्द बना हुआ है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.